हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, रोज़ की तरह आज फिर से मैं काउ मिल्किंग करने आई हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट से आज मेरे 400 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। तो आप सब लोग मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मुझे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो है कि गाय का दूध निकाल रही हूँ। और आप लोग वीडियो में देख के बताइए कि मेरी गाय जो है कि कितना लीटर दूध देती है। आप लोगों को क्या लगता है बाल्टी देख करके कितना लीटर मिल्क होगा? ये आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि ये काऊ जो है कि कितना लीटर दूध देती है। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि कितना लीटर दूध देती होगी ये। तो पीछे वाले थन का मैं जो कि मिल्क निकाल रही हूँ, आधा मिल्क निकल चुका है, अभी थोड़ा बाकी है तो उसको मैं निकाल रही हूँ कंटिन्यू। मेरे हाथ की कलाई थोड़ा दर्द करने लग जाती है मिल्क निकालते निकालते, बट वो तो मेरा डेली का काम है, मुझे निकालना पड़ता है। और कुछ लोग कहते हैं दीदी आप मुझे भी काम मिल्किंग करना सिखा दो, तो इनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और देख के सीखिए कि मैं कैसे जो है कि मिल्क निकालती हूँ। बहुत सारी वीडियो मैंने डाली है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी बहुत ही अच्छे से, और उसमें सारे स्टेप्स बताऊँगी मैं। वो वीडियो मैं जल्दी बना के डालूँगी आप लोगों के लिए, वो वीडियो आप लोग देखिएगा और उसमें टोटली समझ में आएगा शायद आप लोगों को, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँगी आप लोगों को सिखाने का। वो वीडियो आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से ऑयल को यूज कर रही हूँ, क्योंकि जो है कि मिल्क निकालते निकालते फिर जो स्लिप होता है, फिसलता है, वो नहीं हो रहा था। फिर से मैंने ऑयल यूज किया तो स्लिप होने लगा। ऑयल यूज करने से जो है कि फिसलता है तो मिल्क अच्छे से निकलता है। तो पीछे वाले थन का मिल्क निकाल लिया है मैंने, तो ये देखिए आगे वाले थन का भी निकाल रही हूँ। तो देखिए काम मिल्किंग पूरी हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर से करिएगा।